हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कल शाम से ही हमारा वेबसाइट यानी कि gofounder.net कभी ओपन होता है, कभी ओपन नहीं होता, कभी मेंटेन में रहता है, मैक्सिमम टाइम मेंटेन में ही इस टाइम पे हो रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं, ऐसे में आपको अपसेट नहीं होना है। आगे जो मैं आपको दो लाइन बोलने वाला हूँ, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सजेशन है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि आने वाले टाइम में, कुछ टाइम तक या कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक, या फिर यूँ कह लें कि जब तक हमारा gofounder लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगेन एंड अगेन कभी लॉगिन होगा, कभी लॉगिन नहीं होगा, कभी मेंटेन में दिखाएगा। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे में आपको अपसेट नहीं होना है, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, बिकॉज जो हमारा डाटा है gofounder में, वो बहुत ही फास्ट gofounder में ट्रांसफर हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी से ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम बनी रहेंगी, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। बट अगर आप आईडी को, अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं नए अकाउंट में, या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर आप अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जब वेबसाइट हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा हो, तो उसी टाइम आप अकाउंट एक्टिवेट कीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए, या फिर अकाउंट को ट्रांसफ़र कीजिए नए ईमेल आईडी पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना आए फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स, ज़्यादातर रात में ही वेबसाइट आई थिंक मेंटेन में रहता है, तो दिन में आई थिंक बहुत ही कम रहेगा। तो आप चेक करते रहिए, लॉगिन करते रहिए, जो भी आपको काम करना आप चेक करते रहिए, और बहुत ही जल्द gofounder हम सभी के सामने आने वाला, तो सारी दिक्कतें ही दूर होने वाली हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट हमेशा आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।